करोड़ कामगार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं और देश को ताला लगा दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि बंद का ये तरीका क्या जायज है? अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिस तरह से हड़ताली हिंसा पर उतरे और कई जगह तोड़फोड़ की गई, क्या ये जायज है? बंद इन लोगों ने बुलाया, लेकिन इसके पीछे परेशान होता है आम आदमी। किसी को अस्पताल पहुंचना है तो किसी को दफ्तर, किसी को नौकरी के लिए जाना है, किसी को इंटरव्यू देना है। व्यापारियों की दुकानें नहीं खुली, उन्हें ये फिक्र थी, अपने कारोबार के नुकसान की फिक्र तो थी ही, लेकिन सब हैरान परेशान है कि अगर करें तो क्या करें, इसकी भरपाई कौन करेगा। हमारी बहस आज इसी पर है कि क्या बंद का ये तरीका सही है कि देश पर ताला लगा दो, हंगामा करो और आम आदमी की बिल्कुल भी परवाह मत करो। आरएमएल जाना है टेस्ट कराने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऑटो की हड़ताल है, मैं एक घंटे से लाइन में खड़े हूँ। लेट हो रहे हैं, एक घंटे से कम से खड़े हैं यहाँ पे। वापस भी पहुँचना है, कैसे कर क्या करें? कोई गाड़ी नहीं है, कैसे जाएं घर? पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसे में लोगों को आना जाना मुश्किल हो रहा है, तो कोई साधन नहीं इस टाइम जो है, कैसे जाए आदमी? देश का जो या राज्य सरकार का निर्देश हो या केंद्र सरकार का, लेकिन सारी निर्देशों का खामियाजा पब्लिक को ही भुगतना पड़ रहा है और इस तरह से मतलब काफी तमाम लोगों की यहाँ असुविधा हो रही है, जिसके चलते दिक्कत हो रहा है। किस कदर देश भुगत रहा है खमियाजा इस हड़ताल का, इस बंद का। हमारे साथ खास